उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस वक्त काफी ज्यादा नाराज हैं। उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं आजम खान। दोनों के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें इस वक्त काफी ज्यादा तेज हैं। इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव का साथ छोड़ती हुई नजर आ रहे हैं कई मुस्लिम नेता। जी हां, सपा के खिलाफ पार्टी के नेताओं के ही बगावती सुर शुरू हो चुके हैं। रामपुर से अखिलेश यादव के खिलाफ जैसे ही आवाज उठना शुरू हुई, उसके बाद कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर कई आरोप भी लगा दिए हैं। हाल ही में अदनान चौधरी ने कहा कि मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादव बोलते तक नहीं है। वहीं आजम खान के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अखिलेश यादव कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, नाहिद हसन के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ उस पर भी अखिलेश यादव नहीं बोले। अखिलेश यादव का साथ कई मुस्लिम नेता छोड़ चुके हैं। इसी दौरान देखने को मिला है कि अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है उनकी पार्टी के एक और नेता ने। खबरों की माने सामने आया है कि शिवपाल यादव और आजम खान की बगावत के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सपा के प्रदेश सचिव प्रमोद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए इस्तीफे में कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यहां पर आरोप लगाते हुए कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मालूम हो कि प्रमोद मौर्य फरवरी साल 2018 में भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वह सपा का साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में प्रमोद ने कहा है कि जब मैं सपा में शामिल हो रहा था तब कुछ लोगों ने कहा कि सपा केवल एक जाति विशेष के लोगों की पार्टी है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे प्रभावित होकर सपा की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी में काम करते हुए हमने ये महसूस किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केवल अपनी जाति को ही बड़ी जाति मानते हैं। पार्टी की बैठकों में अक्सर मौर्य, कुशवा, शाक्य, सैनी, पटेल और अन्य पिछड़ी जातियों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। सपा में 75 जिलों में एक भी जिलाध्यक्ष मौर्य, कुशवा, शाक्य, सैनी समाज का नहीं है। वहीं अपने इस्तीफे पर बात करते हुए उन्होंने और भी बातें कही हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया है और लिखा है कि जब वह सपा में शामिल हुए तब उन्हें लगा था कि अब मौर्य, कुशवा, शाक्य, सैनी समाज को सपा में महत्व मिलेगा। जहां जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाज के लोगों को टिकट देने की बात कही थी आपने उसको माना था, लेकिन टिकट फाइनल करते हुए आपने चंद्रपाल सैनी हसनपुर अमरोहा, राम सैनी बिलारी मुरादाबाद, हरपाल सैनी मेरठ और भी तमाम लोगों के नाम लिखे हैं और लिखा है टिकट देकर इसलिए काट दिया कि अगर ये लोग जीत गए तो मौर्य, कुशवा, शाक्य, सैनी समाज का पार्टी में मजबूत हैसियत हो जाएगा। प्रमोद मौर्य ने कहा है कि सपा से अधिक भाजपा से इन समाज के लोग जीत कर आए हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने इस इस्तीफे के जरिए तमाम बातें लिखी हैं। अखिलेश यादव के लिए ये अब किसी झटके से कम नहीं है।